हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूनम सरका किचन में। आज हम बनाएंगे एकदम चटपटा और टेस्टी पोहा। अक्सर हम पोहा बनाते हैं तो वो गर्म होता है तो अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद वो टेस्टी नहीं लगता है। तो आप इस तरह से बनाइएगा पोहा, आपका ठंडा होने के बाद भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने पोहा ले लिया है, ये हमने मोटे वाला पोहा लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको पोहा लेना है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। पोहा हमारा चिपचिपा हो जाता है, उससे बचने के लिए हम ये स्टेप करेंगे। इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से धोएंगे। हमें इसे इस तरह हल्के हल्के हाथों से पानी डाल के इसको धो लेना है। इसका जो भी स्टार्च है वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेते हैं। ये हमने इसको धो लिया है, अब हम इसे दोबारा से धोएंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल लेंगे। इस तरह से हम पोहे को अगर 2 या 3 बार अच्छे से धोते हैं तो इससे हमारा पोहा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता है, एकदम खिला खिला बनता है। तो हमने दोबारा से इसमें पानी डाल लिया और इसको हल्के हल्के हाथों से इसे हमने धो लिया। बाकी का जो पानी था वो भी हमने इसमें निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी निकला है, ये किस तरह का जो भी इसका स्टार्च था वो सब इसका निकल जाएगा। पहले भी मैंने मेरे चैनल पे पोहे की रेसिपी बताई है, आप उसको ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। उसे हमने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है, इंस्टेंट पोहा हमारा। अभी हमने इसको रख दिया है 10 से 15 मिनट और ये हमें चाहिए 1 बड़ा प्याज, मूंगफली, नींबू का रस, करी पत्ता और हरी मिर्ची। ये हमने 1 आलू काट के ले लिया है बड़े साइज़ का, इसको हमने पानी में भिगो लिया कि काला ना पड़े। अभी देखिए पोहा हमारा 10 से 15 मिनट के बाद हम देख लेते हैं, सारा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था। और अभी आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से हम इसे इस तरह से चम्मच से या हाथ से हम इसे इस तरह से सारे को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये खिला खिला हो गया बिल्कुल। ये हमने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, आप घी में भी बना सकते हैं, तेल कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। पहले हम मूँगफली को रोस्ट कर लेते हैं। मूँगफली 2 से 3 मिनट में रोस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट हल्का हल्का इसे रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए ये रेडी हो चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है, ज़रूर चेक कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी हमने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हमने इसमें डाल दी है राई। जैसे ही राई हमारी चटक जाएगी हम डाल देंगे करी पत्ता, मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देंगे। राई को चटकने के बाद ही आप इसमें और कुछ ऐड कीजिएगा, वरना जो है राई से हमारा कड़वापन आएगा। ये देखिए अब इसको हल्का सा हमने 1 मिनट तक चलाया। अभी हमने इसमें डाल दिया है ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हम पहले भी डाल सकते थे लेकिन उससे उसका तीखापन जो है कम हो जाता है, इसीलिए हमने इसे थोड़ा बाद में डाला है। जैसे ही ये हल्का सा भुन जाएगी उसके बाद हमने डाल दिया है हमारा प्याज। प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है और आलू भी साथ में डाल देंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आलू और प्याज को हम साथ में ही पकाएंगे। आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसे हम ढक के पकाएंगे ताकि हमारा आलू जो है जल्दी से पक जाए। तो अभी हम इसको ढक देंगे और ढक के हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट में हमारा आलू गल के रेडी हो जाएगा। इसे बीच बीच में आप चाहते हैं कि हमारा जो भी मसाला है वो चिपके ना। तो ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे एक बार तोड़ के कि आलू हमारा गल चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा आलू गल चुका है। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जो कि हम डालेंगे 1 चम्मच डाला है हमने हल्दी और 2 छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे चाहें तो आप थोड़ा सा मिर्ची ऐड कर सकते हैं या काली मिर्ची ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये हमारी वो ट्रिक है जिससे कि हमारा पोहा बनने के बाद भी, जैसे ही वो ठंडा होगा उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अभी हमने इसमें डाल दिया है 2 नींबू का रस
और ये हमने डाल दिया एक चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी डाल सकते हैं, ये पानी में घुल जाएगी। अब इसको मिक्स कर लिया है, जैसे ही आ जाएगा इसमें उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा पोहा जिसे हमने भिगो के रखा था। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला हमारा पोहा है। और जैसे ही हमने ये थोड़ा इसमें पानी ऐड किया है, इससे इसमें काफ़ी जो है सॉफ्टनेस रहेगी, मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, ये बिल्कुल सूखा सूखा नहीं होगा बाद में। तो इसको हम यहाँ पे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपको नीचे से ऊपर की तरफ मिक्स करना है, वरना हमारे जो भी पोहा है वो बिल्कुल कभी मैश ना हो जाए। तो इसे हमें बहुत ही केयरफुल रह के इसे हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए अभी हमारा पोहा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बार मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए और 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसे पकने देंगे और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो ये हमने अभी ऐड कर दिया ढेर सारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये हमारी मूँगफली जो हमने भून के रखी थी और इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी पोहा बनके रेडी हो चुका है। मैंने अपने चैनल पे पहले भी पोहे की रेसिपी बताई है, वो हमारा इंस्टेंट पोहा है। इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें, क्योंकि हमने इसमें आलू डाला है तो आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ जो वो वाला पोहा है आप उसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप चाहें तो इसको इस तरह बनाइए, इस तरह से भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए ये टेस्टी खट्टा मीठा पोहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।